Hello friends, welcome to my channel eGrammar. Now in this video we are going to learn antonyms starting with letter I. So let's begin. Antonyms with letter I. First, icy ka matlab hota hai thanda, ya usse bol sakte ki barfila. So iska antonym hoga warm, ya bol sakte ki hot, ya fir sizzling. Okay, next one, ideal yani ki adarsh. So iska antonym hoga imperfect, ya aap usse bol sakte ki factual. Next one, identical ka matlab hota hai saman, ya aap bol sakte ki ek sarika. So iska antonym hoga different, distinct, ya aap usse bol sakte ki opposite. Next one, idiot yani ki bewakoof, murkh. So iska antonym hoga genius, ya aap usse bol sakte ki intelligent. Next one, idle yani ke bekar, nishkriya. So iska antonym hoga busy, effective, ya bol sakte ki active, ya fir diligent. Understood? Next one, iffy yani ke anishchit, ya bol sakte ki kuch gadbad hai, use kehte hum iffy. Ya iska antonym hoga certain, ya fir bol sakte ki sure, ya definite. Understood? Next one, ignorant. अब इग्नोरेंट का मतलब होता है कि आप अनजान है उस चीज का या फिर अज्ञानी, उसे कहते हम इग्नोरेंट. सो उसका एंटोनिम होगा एजुकेटेड, अवेयर या फिर नोइंग. नेक्स्ट वन, इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना. सो इसका एंटोनिम होगा रिकॉग्नाइज या फिर पे अटेंशन. नेक्स्ट वन, इल यानी कि बीमार. सो इसका एंटोनिम होगा हेल्दी, या आप इसे बोल सकते हैं कि फाइन या फिर वेल. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इल विल का मतलब होता है बैर भाव, या आप बोल सकते हैं कि द्वेष. सो इसका एंटोनिम होगा गुडविल, काइंडनेस, या आप बोल सकते हैं कि सिंपथी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इल मैनर्ड का मतलब होता है असभ्य. सो इसका एंटोनिम होगा कॉर्टियस, या आप बोल सकते कि थॉटफुल. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इल्लीगल का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी. सो इसका एंटोनिम होगा लीगल, या बोल सकते कि लॉफुल या फिर ऑथोराइज्ड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इलॉजिकल का मतलब होता है कि तर्कहीन, विसंगत. सो इसका एंटोनिम होगा लॉजिकल, वैलिड या फिर कोहेरेंट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक. सो इसका एंटोनिम होगा रियल, एक्चुअल या फिर बोल सकते हैं कि सब्सटेंशियल. नेक्स्ट वन, इमिटेशन यानी कि नकली, या बोल सकते कृत्रिम. सो इसका एंटोनिम होगा प्योर, वैलिड या फिर ऑथेंटिक. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इमैक्यूलेट का मतलब होता है निर्मल, बेदाग, उसे कहते हैं हम इमैक्यूलेट. सो इसका एंटोनिम होगा इम्प्योर, डिफाइल, सिनफुल. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इमैच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, या आप बोल सकते हैं कि अविकसित है. सो इसका एंटोनिम होगा मैच्योर, राइप या फिर ग्रोन. नेक्स्ट वन, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तत्काल. सो इसका एंटोनिम होगा शॉर्टली, या फिर बोल सकते हैं कि आफ्टर अ वाइल. नेक्स्ट वन, इमेंस यानी कि अत्याधिक, विशाल. सो इसका एंटोनिम होगा शॉर्ट, माइन्यूट या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइनी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, चरित्रहीन या फिर आप बोल सकते हैं कि भ्रष्ट. सो इसका एंटोनिम होगा मॉरल, नोबल या फिर एथिकल. नेक्स्ट वन, इमॉर्टल मतलब अमर, अविनाशी. सो इसका एंटोनिम होगा मॉर्टल या फिर पेरिशेबल. नेक्स्ट वन, इम्पार्शल मतलब निष्पक्ष, या आप बोल सकते कि न्यायी. सो इसका एंटोनिम होगा पार्शियल,
अनफेयर या फिर सब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब होता है आवेगहीन या फिर भावशून्य, इसे कहते हैं हम इम्पैसिव। सो इसका एंटोनिम होगा इमोशनल या फिर ड्रामेटिक। नेक्स्ट वन इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेताब, बेसब्र। सो इसका एंटोनिम होगा क्वाइट या फिर बोल सकते हैं कूल या फिर इजी गोइंग। नेक्स्ट वन इम्पेड। इम्पेड का मतलब होता है बाधा डालना या फिर बाधा। सो इसका एंटोनिम होगा अनब्लॉक या फिर आप बोल सकते हैं कि रिलीज या फिर ओपन। नेक्स्ट वन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य। सो इसका एंटोनिम होगा अननेसेसरी या फिर ऑप्शनल। नेक्स्ट वन इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अधूरा या फिर आप बोल सकते हैं कि अपूर्ण, इसे बोलते हैं हम इम्परफेक्ट। सो इसका एंटोनिम होगा कंप्लीट, परफेक्ट या फिर एब्सोल्यूट। नेक्स्ट वन इम्पेरियल, इसे कहते हैं हम राज्य संबंधी या फिर आप बोल सकते हैं कि शाही चीज़ है ये, इसे कहते हैं हम इम्पेरियल। सो इसका एंटोनिम होगा कॉमन। नेक्स्ट वन इम्पेटियस। इम्पेटियस मतलब होता है कि जल्दबाज। सो इसका एंटोनिम होगा प्रूडेंट या फिर केयरफुल। नेक्स्ट वन इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य या फिर अभद्र। सो इसका एंटोनिम होगा पोलाइट या फिर रिस्पेक्टफुल या फिर कॉर्टियस। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ज़रूरी। सो इसका एंटोनिम होगा अनइम्पॉर्टेंट, इनसेंशियल। नेक्स्ट वन इम्पोजिंग। अब इम्पोजिंग का मतलब होता है भव्य, अलीशान। सो इसका एंटोनिम होगा स्मॉल, टाइनी या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी चीज़ है ये। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इसका एंटोनिम होगा पॉसिबल। नेक्स्ट वन इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मतलब अव्यवहारिक। सो इसका एंटोनिम होगा रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वन इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, इसका एंटोनिम होगा अनइम्प्रेसिव या फिर आप बोल सकते कि ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वन इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना या बंदी बनाना, उसे वो कहते हैं हम। सो इसका एंटोनिम होगा फ्री, रिलीज या फिर आप बोल सकते कि लेट गो। नेक्स्ट वन इम्प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित। सो इसका एंटोनिम होगा सूटेबल, प्रॉपर या आप बोल सकते कि एप्ट। नेक्स्ट वन इम्प्रूव। इम्प्रूव यानी कि सुधारना। सो इसका एंटोनिम होगा वर्सन या आप बोल सकते कि डिक्रीजेस। नेक्स्ट वन इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब बेशर्म। सो इसका एंटोनिम होगा कॉर्टियस या आप बोल सकते कि मॉडेस्ट या फिर पोलाइट। नेक्स्ट वन इम्प्योर। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, अपवित्र या फिर प्रदूषित आप उसे बोल सकते हैं। सो इसका एंटोनिम होगा प्योर, क्लीन या फिर चेस्ट। नेक्स्ट वन इनबिलिटी। इनबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता, अक्षमता। सो इसका एंटोनिम होगा एबिलिटी या फिर कैपेसिटी या फिर आप बोल सकते हैं कि टैलेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत या फिर त्रुटिपूर्ण, उसे कहते हैं हम। सो इसका एंटोनिम होगा एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट या फिर आप बोल सकते हैं कि करेक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय या फिर आप बोल सकते हैं कि आलसी। सो इसका एंटोनिम होगा एक्टिव, एनर्जेटिक या फिर डायनामिक। नेक्स्ट वन इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, अल्प प्रमाण। सो इसका एंटोनिम होगा एम्पल या फिर आप बोल सकते कि सफिशियंट है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इनएप्लीकेबल। इनएप्लीकेबल यानी कि अयोग्य। सो इसका एंटोनिम होगा सूटेबल
या फिर आप इसे बोल सकते कि एप्लीकेबल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, इनअटेंटिव. इनअटेंटिव मतलब असावधान, या फिर आप बोल सकते कि बेपरवाह. इसे कहते हैं हम इनअटेंटिव. सो इसका एंटोनिम होगा ऑब्जर्वेंट, या फिर बोल सकते कि अवेयर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, इनकैपेबल. इनकैपेबल का मतलब होता है कि असमर्थ. सो इसका एंटोनिम होगा कैपेबल, या फिर इफिशियंट, या फिर फिट. नेक्स्ट वन, इंसेप्शन. इंसेप्शन मतलब आरंभ, आप बोल सकते हैं शुरुआत. सो इसका एंटोनिम होगा कंक्लूजन, या बोल सकते कि एंड, या फिर फिनिश. नेक्स्ट वन, इंक्लूड. इंक्लूड यानी कि शामिल करना या फिर जोड़ना. सो इसका एंटोनिम होगा एक्सक्लूड, एलिमिनेट, या फिर ओमिट. ओके. नेक्स्ट वन, इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुका. सो इसका एंटोनिम होगा कोहेरेंट, या फिर ऑर्डरली. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, इनकम्पैटिबल. इनकम्पैटिबल का मतलब होता है विसंगत. सो इसका एंटोनिम होगा कंपैटिबल, या फिर एप्रोप्रिएट. नेक्स्ट वन, इनकंसिडरेट. इनकंसिडरेट का मतलब होता है अविवेकी, या फिर बोल सकते कि विचार शून्य. इसका एंटोनिम होगा कंसिडरेट, या फिर अटेंटिव. इनकरेक्ट. इनकरेक्ट का मतलब होगा गलत. सो इसका एंटोनिम होगा करेक्ट, प्रॉपर, या फिर आप उसे बोल सकते कि एक्यूरेट. नेक्स्ट वन, इंक्रीज. इंक्रीज मतलब बढ़ना. सो इसका एंटोनिम होगा डिक्रीज, रिड्यूस. नेक्स्ट वन, इनडेफिनाइट. इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित. सो इसका एंटोनिम होगा प्रिसाइज, एग्जैक्ट, या फिर आप उसे बोल सकते कि स्पेसिफिक. नेक्स्ट वन, इनडिलिबल. इनडिलिबल का मतलब होता है न मिटने वाला, या फिर आप उसे बोल सकते कि पक्का. सो इसका एंटोनिम होगा इरेजिबल, वॉशेबल. नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष. सो इसका एंटोनिम होगा डायरेक्ट, या फिर आप उसे बोल सकते कि स्ट्रेट. नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत. सो इसका एंटोनिम होगा जनरल, या आप बोल सकते कि ऑर्डिनरी, या फिर आप बोल सकते कि कॉमन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, इंडोलेंट. इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी. सो इसका एंटोनिम होगा एनर्जेटिक, बिजी, या फिर एक्टिव. इनइफेक्टिव. इनइफेक्टिव का मतलब होता है अप्रभावी, बेअसर. सो इसका एंटोनिम होगा इफेक्टिव, या फिर बोल सकते कि फ्रूटफुल. नेक्स्ट वन, इनेप्ट. इनेप्ट मतलब मूर्ख, अनाड़ी. सो इसका एंटोनिम होगा सूटेबल, या फिर आप बोल सकते कि फिट, या फिर प्रॉपर, या फिर एप्ट, और या एबल. नेक्स्ट वन, इनर्ट. इनर्ट मतलब निष्क्रिय. सो इसका एंटोनिम होगा एक्टिव, वाइटल, या फिर रिस्पॉन्सिव. नेक्स्ट वन, इन्फेरियर. इन्फेरियर मतलब नीचा दिखाना, हीन, या फिर घटिया आप बोल सकते हो उसे. सो इसका एंटोनिम होगा सुपेरियर, या फिर आउटस्टैंडिंग. इन्फेनाइट. इन्फेनाइट मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि अनंत. सो इसका एंटोनिम होगा फाइनाइट, रिस्ट्रिक्टेड, या फिर लिमिटेड. नेक्स्ट वन, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल का मतलब होगा अनौपचारिक. सो इसका एंटोनिम होगा फॉर्मल, या कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट वन, इनहेल. इनहेल का मतलब होता है सांस लेना. सो इसका एंटोनिम होगा एक्सहेल, या फिर आप बोल सकते कि ब्रीद आउट. नेक्स्ट वन, इनिशियल. इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक. सो इसका एंटोनिम होगा लास्ट, या फिर आप इसे बोल सकते कि फाइनल, या फिर टर्मिनल, या फिर एंडिंग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, इंजुरी. इंजुरी का मतलब होता है चोट, क्षति, या फिर घाव. सो इसका एंटोनिम होगा बेनिफिट,
या आप बोल सकते कि बून, या फिर आप इसे बोल सकते कि हेल्प. नेक्स्ट वन, इनजस्टिस. इनजस्टिस का मतलब होता अन्याय. सो इसका एंटोनिम होगा जस्टिस, या आप इसे बोल सकते कि राइट, या फिर फेयरनेस. नेक्स्ट वन, इनर. अब इनर का मतलब होता है भीतरी. सो इसका एंटोनिम होगा आउटर, या फिर आप बोल सकते कि एक्सटर्नल, या फिर ओवर्ट. नेक्स्ट वन, इनोसेंट. इनोसेंट का मतलब बेगुनाह. इसका एंटोनिम होगा गिल्टी, या फिर सिनफुल, या फिर करप्ट. नेक्स्ट वन, इंसर्ट. इंसर्ट यानी कि डालना. सो इसका एंटोनिम होगा रिमूव, या फिर विड्रॉ. नेक्स्ट वन, इंस्पायर. इंस्पायर मतलब प्रेरित करना. सो इसका एंटोनिम होगा डिस्करेज या डिप्रेस. नेक्स्ट वन, इंसल्ट. इंसल्ट का मतलब होता है अपमानित करना. सो इसका एंटोनिम होगा कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, या फिर ऑनर. इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार. सो इसका एंटोनिम होगा स्ट्यूपिड, डल, या फिर इग्नोरेंट. नेक्स्ट वन, इनवैलिड. इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य. सो इसका एंटोनिम होगा वैलिड, या आप इसे बोल सकते हैं कि सॉलिड. नेक्स्ट वन, इनविजिबल. इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य. सो इसका एंटोनिम होगा विजिबल. और लास्ट में है इरेग्युलर. इरेग्युलर का मतलब होता है अनियमित. सो इसका एंटोनिम होगा रेगुलर, या फिर कॉन्स्टेंट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.